एडवांटेजेज ऑफ एक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट द कॉन्टेंट्स स्पीशज सर्वाइवल मिनिमल इनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर दिस मैथड ऑफ रिप्रोडक्शन पॉजिटिव जेनेटिक कंबिनेशन आर आर ट्रांसफर एज इट इज टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड रेपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन सो फर्स्ट ऑफ स्पीश सर्वाइवल स्टूडेंट इससे पहले बल्कि हम अगर बेसिक देखें एक और इसका जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट बनता है वो है सस्टेनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ कि अगर हम ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का सबसे पहला बेनिफिट देखें तो ये कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही लाइफ जो है वो कंटिन्यू हुई अर्थ के ऊपर फॉर इनिशियल टू बिलियन ईयरस पहले दो बिलियन साल जो है उसमें जो लाइफ है वो ए सेक्शुअली ही एनिमल्स क्या करते रहे हैं ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करते रहे हैं तो इसका मतलब एक इसका बेनिफि यह हो गया कि इट इज़ द फॉर एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर कंटीन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ इस लाइफ की जा वो स्टार्ट लाइफ को जो किया वो ए सेक्शल रिप्रोडक्शन इसको आगे कंटिन्यू किया है स्पीशीज सर्वाइवल स्पीशीज सर्वाइवल में ए सेक्श रिप्रोडक्शन में चूंकि ऑनली वन ऑर्गेनिज्म इज रिक्वायर्ड एक एनिमल रिक्वायर है तो इसका मतलब है कि अगर किसी स्पीशीज के अंदर सिर्फ एक ही सेक्स मौजूद है या फिर एनिमल्स इस तरह स्कैटर्ड हैं कि मेल और फीमेल इकट्ठे नहीं हो सकते तो इस केस में फिर क्या होगा कि ए सेक्श रिपोडक्शन उस स्पीशीज को सर्वाइव करने में हेल्प आउट करेगी कि अगर ऐसी पॉपुलेशन जिसमें सिर्फ वन टाइप ऑफ एनिमल्स आर देयर एक ही टाइप के एनिमल्स हैं तो वहाँ पर ए सेक्श रिपोडक्शन के थ्रू अपनी जनरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं और दूसरा यह है कि अगर एनिमल्स हैं तो सही मेल और फीमेल दोनों है लेकिन वो ऐसी कंडीशन में है कि दोनों का इकट्ठा होना सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है तो फिर इस केस में ए सेक्श रिप्रोडक्शन क्या करेगी उसको हेल्प आउट करेगी मिनिमल एनर्जी रिक्वायरमेंट अच्छा सेक्शुअली रिप्रोडक्शन में ज़्यादा एनिमल्स को दे हैव टू सर्च फॉर दे आर फीमेल फीमेल को सर्च करेंगे उसके बाद कोर्टशिप बिहेवियर है कोर्टशिप बिहेवियर में आता है कि एनिमल जो मेल और फीमेल वो करीब आते हैं देन मेटिंग है और उसके बाद जाकर फर्टिलाइजेशन और फिर ऑर्गेनिजम प्रोड्यूस होगा तो ये जो इनिशियल स्टेप्स हैं कि सर्च फॉर दे मेट और उसके बाद कोर्टशेप बिहेवियर है मेटिंग है ये वो स्टेप्स हैं जिसमें बहुत सारी एनर्जी जो है वो एनिमल्स को इन्वेस्ट करनी पड़ती है ए सेक्शुअली प्रोडक्शन में चूँकि डायरेक्टली एनिमल्स से आगे यंग वैन प्रोड्यूस हो रहे होते हैं तो इसका मतलब है दैज द सेविंग ऑफ एनर्जी एनर्जी जो क्या करती है कि वन सेक्स किसे एनिमल प्रोड्यूस होने होती है तो एनर्जी जो है वो सेव होती है जो कि कोर्ट से बिहेवियर या बाकी एक्टिविटीज़ में एनिमल जो वो इन्वेस्ट करता है सेक्श रिप्रोडक्शन के केस में पॉजिटिव जेनेटिक कम्बिनेशन आर ट्रांसफर्ड आर पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन अब जो कि ए सेक्श रिप्रोडक्शन बेसिकली उसको हम क्लोनिंग मैथड भी कहते हैं क्लोनिंग का मतलब ये होगा कि एक एनिमल की आइडेंटिकल कॉपी आगे बन रही है तो अब एक अगर एनिमल है जिसके अंदर बहुत अच्छे जेनेटिक कम्बीशन मौजूद हैं तो उस अच्छे जेनेटिक कम्बिनेशन के साथ अगर हम एक आगे ऑफ्सवरिंग हम चाहते हैं कि सेम वही जेनेटिक कम्बिनेशन रखते हों तो फिर उसका हमारे पास ऑप्शन यही होगा कि ए सेक्शुअल रिपोडक्शन के थ्रू उसको रिप्रोड्यूस करवाया जाए क्योंकि जब एनिमल सेक्चुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है कि ट्रेड्स मिक्स मिक्सअप होते हैं रीशफल होते हैं जिसकी वजह से जो अच्छे ट्रेड अगर हैं वो आगे माइट पॉसिबल ऑफ स्वरिंग अपीयर ना हो तो इसलिए इफ़ देर आर गुड ट्रेट्स किसी एनिमल का एक्सपेरिमेंटली जैसे हमारे पास कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिसके जिनसे हम कोई बायोटेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो एनिमल्स जो हैं अगर सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो हो सकता है अगली जनरेशन में वो बायो वाली प्रोडक्ट गायब पहुँचाए तो फिर ऐसे एनिमल्स के लिए हम प्रेफर करते हैं कि वो ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करवाया जाए ताकि ऑफ स्ट्रिंग्स के अंदर भी वही चीज़ जो है वो मौजूद हो तो जो पॉजिटिव जेनेटिक कम्बीशन है वो फिर आगे जो है वो करते अच्छा इसका बेनिफिट ये है कि अगर इन्वायरमेंट बहुत स्टेबल है और एनिमल्स के अंदर एक पॉजिटिव जेनेटिक कम्बीशन आ गया है तो फिर वो स्टेबल इन्वायरमेंट के अंदर वो पॉजिटिव जेनेटिक कम्बीशन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही ट्रांसफर होगा इसीलिए जो स्टेबल इन्वायरमेंट के अंदर एनिमल्स रहते हैं वो ज़्यादातर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को प्रेफर करते हैं रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन अच्छा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के मुकाबले में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में पॉपुलेशन साइज ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज़ करता है उसकी रीज़न ये है कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में तो ये ज़्यादा पहले एनिमल ग्रो करेगा वो सेक्शुअली मेच्योर होगा उसके बाद वो अपने फ़ीमेल को सर्च करेगा मेल फीमेल करीब आएंगे फिर फर्टिलाइजेशन होगी फिर यंग वन प्रोड्यूस होंगे तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम जबकि ए सेक्शुअल रिपोडक्शन को अगर हम देखें तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में तो ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है बल्कि एक एनिमल है उसने सिंपली आगे अपने नए यंग वन प्रोड्यूस करवा देने हैं तो इसका मतलब कम टाइम के अंदर एक एनिमल जो है अपने यंग वन प्रोड्यूस करवाएगा फिर दूसरा मत ये है कि ए सेक्चुरी प्रोडक्शन में नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग बहुत ज़्यादा होता है तो ए सेक्चुअल प्रोडक्शन में जब ऑफ स्प्रिंग भी ज़्यादा है टाइम भी काम इन्वेस्ट हो रहा है तो अल्टीमेटली फिर एक्चुअली प्रोडक्शन के रिजल्ट में पॉपुलेशन के अंदर जो इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन साइज होगा वो बहुत ज़्यादा होगा